और कितना काम कराएगी? डिस्टर्ब मत कर यार, लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन माय नेल्स। जब मैं मम्मी पापा से लड़ा था तेरे लिए, तेरे बॉयफ्रेंड के लिए, और जब जब तूने ब्रेकअप का ड्रामा किया तब तब तेरे लिए पिज्जा किसने ऑर्डर किया? मैंने। दीदी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं श्रुति को टेक्स्ट कर रहा हूँ। रिमोट दियो, मुझे इंडियन मैच मेकिंग देखना है। इसने इतनी इजीली रिमोट दे दिया। अच्छा, मैं ना अपने लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर रहा था। यू वांट टू ईट समथिंग? ना। देख ले, द ट्रीट वुड बी माइन। ये इतना वियर्ड एक्ट क्यों कर रहा है? क्या चाहिए? मुझे ये तंदूरी मोमोज। तुझे? बकवास मत कर, ये स्वीटनेस का जो तू नाटक कर रहा है ना, कहीं और। बिस्किट्स? थैंक्स। नो वरीज। तेरे दोस्त कैसे हैं? मेरे दोस्त तो ठीक हैं, पर मुझे ना तू कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे क्यों, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली वो सुबह से टीवी देख के बोर हो गया, कुछ गॉसिप सुना ना है? पता है श्रुति का ना ब्रेकअप हो गया है। बाय गॉड, इतना ड्रामा हुआ था ना। चीट करे तो ड्रामा तो हो गया ना। हाँ ये तो है, पर एक मिनट, तुझे कैसे पता है? एक्चुअली उसी ने बताया मुझे। इसलिए रिमोट इतने प्यार से हाथ में दे दिया गया। दीदी मेरी ट्रीट है, क्या खाओगी? लिसन, श्रुति से दूर है, उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, कुछ कुछ रद्दी पर शर्म कर ले। आई एम जस्ट ट्राइंग टू चीयर अप, ओके? टाइम वेस्ट कर रहा है, श्रुति तुझे कभी भी डेट नहीं करेगी। इतना भी अंडरएस्टिमेट मत करो मुझे दीदी। वैसे चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? कुछ खास नहीं, पर जो भी चल रहा है ना अच्छा चल रहा है। बड़ी बातें घुमानी आ गई है। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं ना श्रुति से भी बात कर लेती हूँ। ओह लिसन लिसन, पागल हो गया, पागल हो गया। मैं बता दूँ, कुछ नहीं चल रहा है। You know, I always had a crush on her. And you know what? She likes my jokes as well. Okay. Seems like it's too late. बस। अच्छा बोल। मुझसे क्या चाहिए तुझे? You know, I want to ask her out, okay? But I don't want to make it obvious. So, मैं क्या सोच रहा था कि if you can be your wingman. ऐसे कुछ। यही मौका है। चौका मार दे। एक काम कर। काम कराएगी? डिस्टर्ब मत कर यार, लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन माय नेल्स। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, लगता है इमोशनल ब्लैकमेल करना ही होगा। याद है तुझे जब मैं मम्मी पापा से लड़ा था तेरे लिए, तेरे बॉयफ्रेंड के लिए, और जब जब तूने ब्रेकअप का ड्रामा किया तब तब तेरे लिए पिज्जा किसने ऑर्डर किया? मैंने। वैसे पिज्जा से याद आया यार, I haven't decided what I want for Rakhi. But I know what you want. You के लिए order कर दिया मैंने। काफी dedicated लग रहा है तू। हाँ यार, and you know what? She also thinks she likes Arijit Singh way better than Atif Aslam. अच्छा, मेरा favorite singer कौन है बताइए sir? वो तो तेरे बॉयफ्रेंड को पता होगा ना। हाँ, एक्चुअली मैं एक बात बताऊँ, भूल गया।
ये जो पिज्जा है ना उसके पैसे तेरे अकाउंट से पे किए हैं, कार डिटेल्स मेरे पास थी, तो अपनी स्टेटमेंट चेक कर ले। हां कुत्ते कमीने, इधर वापस आने को बताऊंगी मैं। ये मेरा साइज है, ये मेरा है, ये मेरा है। तूने सारा खाया ना, ये मेरा है, ये मेरा लास्ट साइज है, तू अपना खा चुका है। पिछली बार भी तूने ऐसे किया था। ये मेरा साइज है, अब ये मेरा है यार। अरे यार मुझे भी एक स्लाइस पिज्जा दे दो। I'm sure guys आप लोग भी ऐसे ही लड़ते होंगे। If you enjoyed this video, please like and share it. And also tell us in the comment section what are you gifting to your sister this Raksha Bandhan. And don't forget to subscribe to Ask Man India.